सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं चालू कर रहा हूँ अपनी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। तो मैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और वर्ल्ड का नाम क्या रखूँ भाई, क्या रखूँ, ढोलकपुर रख देता हूँ। इस समय मेरे को यही याद आ रहा है, छोटा भीम बहुत देखता था मैं बचपन में, इसलिए मेरे को ढोलकपुर याद है। तो मैं अपने वर्ल्ड का नाम यही रख देता हूँ ढोलकपुर, और यहाँ पे मैंने रख दिया और सारा कुछ सेटिंग मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड को कर दिया क्रिएट मैंने, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हो चुका है क्रिएट, और ये देखो गाइस मेरे हार्डकोर वाले दिल, और देख सकते हो खतरनाक दिख रहे हैं एकदम। और अगर मैं एक बार मरा तो फिर वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने कुछ वुड्स कलेक्ट कर लिए हैं, और इसके बाद मैं कुछ प्लैंक्स बनाता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया है, कुछ स्टिक बना लेता हूँ एंड एक वुडन पिकैक्स, और डायरेक्ट नीचे डाउन करके कॉबल स्टोन ही माइन कर लेता हूँ, और इसके बाद डायरेक्ट स्टोन के टूल्स बना लूँगा। तो मैंने कॉबल स्टोन भी कलेक्ट कर लिया है, और अब मैं स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ कुछ। एक स्टोन पिकैक्स और एक एक्स रेडी है, एंड मैं ढोलकपुर को ढूंढ लेता हूँ। भाई ढोलकपुर अभी तक नहीं मिला मेरे को। ढोलकपुर मतलब गाइस एक विलेज ढूंढ रहा हूँ मैं, जल्दी से एक विलेज मिल जाए और वही मेरा ढोलकपुर रहेगा, वही और मैं रहूँगा भी। अच्छा एंड गाइस आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने चैनल का लोगो चेंज कर दूँ? तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, उसमें ज़्यादा लोग का वोट यस था, तो आप लोग भी कमेंट करके बता देना, तब मैं लोगो चेंज कर दूंगा, एंड जैसा होगा आप लोग को पसंद हो तो बोल देना। तो गाइस मेरा गोल है डायमंड आर्मर पूरा बनाने का, और डायमंड के टूल्स, और अभी तक ढोलकपुर नहीं मिला यार, क्या बताऊँ। और भाई सामने ढोलकपुर है यार, मतलब विलेज। तो गाइस अपना ढोलक मिल चुका है, और मैं अपना महल तैयार करने की सोच रहा हूँ जल्दी से, लेकिन अब इस एपिसोड में तो महल तैयार नहीं हो पाएगा। पूरा डायमंड आर्मर मेरे को बनाना है कैसे भी करके, अपना सुरक्षा कवच, वरना ज़ॉम्बी लोग अटैक करके मेरे को मार वार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो भाई, ये रहे घूम रहे हैं फार्मर्स मेरे नौकर, और सामने है ढेर सारा खाना, मतलब हे बेल, तो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने टोटल 16 हेबेल कलेक्ट कर लिया है, और इससे मैं बना लेता हूँ पूड़े का ब्रेड, और ये क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, और कुछ प्लेस देख लेते हैं जहाँ पे मैं अभी रह सकता हूँ, और वहीं पे बाद में मैं अपना घर बनाऊँगा। और गाइस कमेंट करके बताना कौन कौन 10th में है भाई, किसके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं तो भाई 10th में हूँ यार, तो समझ ही सकते हो वीडियो प्लस पढ़ाई तो दिक्कत होती है यार, बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार मेरी मेहनत के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। तो यहाँ पे ये प्लेस सबसे मस्त है, और यहीं पे मैं अपना घर बनाऊंगा, और यहीं पे मैंने बना लिया है कुछ फर्नेस। यहाँ पे स्मेल्ट होने को रख देता हूँ, क्या स्मेल्ट होने को नहीं, टॉर्च बनाने के लिए मैं वुड रख देता हूँ, लेकिन गाइस टॉर्च बनाने के लिए कुछ वुड्स चाहिए होंगे, तो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने ढेर सारे वुड्स कलेक्ट कर लिए हैं, और मेरे को ब्रेड की कमी पड़ रही है थोड़ी, बट भाई 44 है मेरे पास, फिर भी मेरे को कम पड़ रहा है। मैंने पूरा वीट चुरा लिया, और ये सीड्स लगा देता हूँ यहाँ पे, बेचारे विलेजर की मदद कर देता हूँ। देखो खुद लगा रहा है बेचारा, मेरा नौकर ले भाई लगा देना पूरा, बाद में पूरा ही ले ले भाई तू, बाद में मेरे को काम आएगा तो मैं तेरे से लूँगा। और चलता हूँ गाइस यहाँ, तो आ चुका हूँ मैं अपनी जगह पे जहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँगा बाद में अगली वीडियो में, एंड यहाँ पे मैं फर्नेस में डाल देता हूँ स्मेल्ट होने को वुड। उससे पहले गाइस मैं कुछ ब्रेड बना लेता हूँ, और यहाँ पे वुड डाल देता हूँ, और इससे टॉर्चेस, सॉरी चारकोल बन जाएगा, उससे मैं टॉर्चेस बना लूँगा। एंड गाइस स्मेल्ट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, तो यहाँ पे देखो 63 चारकोल बन गया, एंड मैं कुछ स्टिक्स बना के ढेर सारी टॉर्चेस बना लेता हूँ, और फिर माइनिंग करने चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे ढेर सारी टॉर्चेस भी बन चुकी हैं 2 स्टैक, और ये फर्नेस ले लेता हूँ नीचे काम आएगा, और ये क्राफ्टिंग टेबल भी, और इधर डिग डाउन कर लेते हैं गाइस। उससे पहले गाइस मैं एक चीज़ भूल रहा था कि मेरे को विलेजर्स के घर बंद करने हैं, वरना ज़ॉम्बी लोग विलेजर्स को टपका देंगे और विलेज का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मैं घर बंद कर देता हूँ पहले, ये पहला घर एंड इसके बाद विलेजर है इसके अंदर, ये भी बंद कर दिया मैंने। और भाई रात हो चुकी है तो मैं भी सो जाता हूँ यार, और दिन हो चुका है, तो चलते हैं अपनी जगह पर और माइनिंग करने चलता हूँ। सारा घर मैंने बंद कर दिया है।
तो गाइस माइन करते हुए मैं आ चुका हूँ सुलभ ब्लॉक पे और यहाँ पे मिलता है ढेर सारा आयरन, तो मैं आयरन माइन करने के बाद मिलता हूँ आप लोग से। तो गाइस मैंने ढेर सारा आयरन भी माइन कर लिया है और आयरन भाई माइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट डायमंड माइन करने में तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है यार। तो क्या करें, ढूंढना ही पड़ेगा, अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे मैं और फर्नेस बना लिया दो ठो और इसके बाद यहीं पे लगा देता हूँ और आयरन स्मेल्ट होने को छोड़ देता हूँ। फिर जब आयरन स्मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ढेर सारी पिकैक्स बनाऊँगा और उसके बाद मैं ढूंढूंगा डायमंड और यहाँ पे मैं आयरन रख देता हूँ सब स्मेल्ट होने को। तो स्मेल्ट होने देते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आयरन हो चुका है स्मेल्ट और यहाँ पे 42 है इसमें और ये दूसरे वाले में गाइस 30 है। तो एक स्टैक और 9 आयरन है मेरे पास टोटल। तो मैं कुछ आयरन की पिकैक्स बनाता हूँ, उससे पहले ये फर्नेस मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे को नीचे काम आएगा और नीचे जब मैं जाऊंगा डायमंड फाइंड करने। और इसके बाद कुछ पिकैक्स बनाता हूँ 2-3 जो कि मेरे को काम आएंगी और ये भी ले लेता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल। और चलते हैं और भी नीचे डायमंड ढूंढने फटाक से। नीचे जाने से पहले गाइस मेरे को इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक जगह बनाता हूँ चेस्ट रखने का। तो गाइस जगह बन चुकी है और यहाँ पे मैं फर्नेस और चेस्ट रख देता हूँ। पहले मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ 2 और इतने में तो सारा सामान अट ही जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा चेस्ट और 2 चेस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे रख देते हैं एंड इसके बाद सारा सामान इसी में रख देता हूँ गाइस, तब मेरी इन्वेंट्री हो जाएगी खाली। एंड मैंने रख दिया सारा कुछ और इसके बाद और भी पिकैक्स बना लेता हूँ मैं जो कि मेरे को नीचे काम आने वाली हैं। और कुछ और भी स्टिक्स बना लिया मैंने और एक एक्स जो कि बार बार क्राफ्टिंग टेबल तोड़ना पड़ता है स्टोन की पिकैक्स से, तो स्टोन पिकैक्स सब रख देते हैं, स्टोन पिकैक्स का कोई यूज़ नहीं करने वाला मैं। और अब चलते हैं नीचे और ढूंढते हैं डायमंड, ब्रेड है ही मेरे पास और टॉर्च है ही, तो इतने में तो मैं ढूंढ लूँगा, होप करता हूँ कि ढूंढ लूँ बहुत सारा डायमंड, मतलब कि एक स्टैक। तो मैं आ चुका हूँ नीचे और माइन करता हूँ भाई। तो गाइस यार पहला डायमंड मिल चुका है मेरे को, तो देखते हैं ये कितना है, 1 एंड इसके बाद 2 से ज़्यादा हो करता हूँ 3 है गाइस। चलो अच्छी बात है, 3 डायमंड मिल गया पहली बार में। तो बहुत सारा डायमंड ढूंढने के बाद मिलता हूँ आप लोग से मैं। एंड गाइस मेरे को जो भी डायमंड मिलेगा मैं उसको छोड़ दूंगा और मैं फॉर्चून 3 की पिकैक्स बना के फिर ही उसको माइन करूंगा। और ढेर सारा डायमंड ढूंढने के बाद मिलता हूँ आप लोग से मैं। तो गाइस मैंने काफ़ी सारा डायमंड ओर माइन कर लिया है, सॉरी डायमंड ओर खोल लिया है और मैं उसको बाद में माइन करूंगा जब मैं फॉर्चून 3 पिकैक्स बना लूंगा ताकि मेरे को ज़्यादा डायमंड मिले। और उससे पहले मैं कुछ लेदर कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं बुक्स बना पाऊँ। सॉरी लामा, मेरे को मारना ही पड़ेगा लामास को। एंड लो ट्रेडर किधर गया, ये रहा भाई बॉन्डिंग ट्रेडर को, देखते हैं क्या दे रहा है, कुछ अच्छा दे रहा हो तो उसको जिंदा रखूँगा वरना भाई मार लूँगा तो नहीं छोड़ दूँ जीने, तो भाई उसको भी उसकी भी ज़िंदगी है। तो गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा था और मेरे को मिल गया शुगर केन, तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ये काम की चीज़ है, इससे पेपर बना सकता हूँ मैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और शुगर केन को मैंने लगा दिया है और एक ठोस शॉवल बना लिया है मैंने ताकि मैं ये जो सामने का पहाड़ है उसको थोड़ा क्लियर कर सकूँ। तो क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा साफ रहेगा तो ठीक लगेगा। तो गाइस देखो मैंने डर्ट का आधा पहाड़ हटा दिया है और देखने में एकदम ये फ्लैट लग रहा है और यहीं पे मैं एनिमल्स को रखूँगा। उससे पहले मैं 2 चेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे रखने के लिए सामान, देख रहे हो पूरा एकदम इन्वेंट्री फुल हो चुकी है। तो कुछ चेस्ट बना लेता हूँ मैं, 2 चेस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ गाइस और सारा सामान इसी चेस्ट में डाल देता हूँ। तो गाइस अब मेरे को फेंस बनाने हैं तो मेरे को उसके लिए वुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वुड्स हैं मेरे पास थोड़े से और मेरे को माइन करने पड़ेंगे। और बैकग्राउंड से आप लोग को थोड़ी पानी की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी गाइस, मैनेज कर लेना। तो मैं कुछ वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने काफ़ी सारे वुड्स कलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे चेस्ट में मैं रख देता हूँ। एप्पल भी ढेर सारे मेरे को मिले और एप्पल मैंने रख दिया और मैं फेंस बना लेता हूँ ढेर सारा और 4 गेट। और रात हो चुकी है गाइस तो सो जाता हूँ वरना मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे फालतू के और पंगा लेना पड़ेगा उन लोग से, तो ठीक नहीं रहेगा। और मैं सो के उठ चुका हूँ और यहाँ पे भाई शीप पहले से ही घूम रही है तो शीप ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फेंस लगाना स्टार्ट करता हूँ।
तो गाइस मैंने पूरा तबेला बना लिया है एनिमल्स को रखने के लिए, और रात हो चुकी है तो सो जाता हूँ वरना मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे फालतू के, पंगा लेना पड़ जाएगा। और यहाँ पे दिन हो चुका है गाइस, और कुछ एनिमल्स और लाने हैं। तो यहाँ पे गाइस ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे एनिमल्स को मैंने ला दिया है, बस एक हॉर्स की कमी है। बट मेरे पास शेडल नहीं है तो मैं नहीं ला पाऊंगा अभी, और लीड की मदद से ला सकता हूँ बट नहीं लाऊंगा। एंड यहाँ पे इन लोग की ब्रीडिंग करवा देता हूँ। तो गाइस मेरे सामने शुगर केन लगाया था, काफ़ी बड़े हो चुके हैं सब, और यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा वीट फार्म बनाना है जिसकी मदद से मैं काउस को ब्रीड करा सकूँगा। तो यहाँ वाटर डाल दिया है मैंने और हो बना लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर का जगह बड़ा कर देता हूँ ताकि हर जगह वाटर पहुँचे। और देखो गाइस शुगर केन काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रेड भी कर दिया है, मतलब फैला दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इन लोग को तोड़ के और भी बड़ा लगा देता हूँ दूसरे जगह पे, और यहाँ लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा अपना ये वीट फार्म भी बना लिया है, वैसे फार्म नहीं है ये, छोटा सा मैंने बस खेत बनाया है। और यहाँ गाजर और वीट लगा दिया है मैंने। तो गाइस अब मेरे पास कोई काम बचा नहीं है, तो मैं आप काउस को ही मार देता हूँ ताकि मैं लेदर से बुक्स बना सकूँ। और काउस को मारते मारते मेरे को पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया, बट मेरे को पिलेजर से पंगा नहीं लेना है। तो गाइस यार मैं काउस को ढूंढ रहा था मारने के लिए, बट मेरे को सामने देखो मिल गया एक रुइंड पोर्टल, और यहाँ चेस्ट है। तो मैंने क्लॉक और लेगिंग्स और एक्स ले लिया है, और लेगिंग्स में एन्चेंटमेंट देखते हैं थ्रोन्स है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 है, तो भाई अच्छी है लेगिंग्स पे एन्चेंटमेंट। तो गाइस मैं फिर से काउस को ढूंढ रहा था, बट मेरे को एक न्यू विलेज मिल गई यार। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर है, तो मैं कुछ छोड़ने वाला तो हूँ नहीं भाई। यहाँ पे लैक्टन है और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो ये सारा कुछ मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी जो मेरे को विलेज मिलती है उस विलेज को मैं पूरा लूट के निकल चुका हूँ, और सामने देखो एक और विलेज मिल चुकी है। यार क्या लक है भाई, काउस के वजह से मेरे को दो दो विलेज मिल गई आज। तो यहाँ पे भाई देखो एक ब्लैक स्मिथ का घर है, दो ब्लैक स्मिथ का घर है, भाई साहब क्या लक है यार। तो गाइस मैंने दोनों ब्लैक स्मिथ का घर लूट लिया, उसमें मेरे को मिला डायमंड हॉर्स और शेडल और बहुत कुछ मिला। तो यहाँ पे देखो मैं हॉर्स को टेम कर लेता हूँ, और इसके बाद आ चुका हूँ मैं अपने विलेज में। और ये आयरन का सॉरी डायमंड का आर्मर पहना दिया है इसको मैंने, और रात होने वाली है भाई, तो चल के मैं सो जाता हूँ वरना मॉब्स स्पॉन होने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस दिन हो चुका है, सो के उठ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे देखो काउस की संख्या थोड़ी सी बढ़ चुकी है, बट अब मेरे को इन लोग की संख्या नहीं बढ़ानी है ज़्यादा। और सारा सामान मैंने रख दिया है, और फिर मेरे पास लैक्टन, तो मैंने लैक्टन ले लिया है, और मैं चलता हूँ एक लाइब्रेरियन बनाता हूँ, और उससे मेरे को चाहिए बस फॉर्चून 3 की बुक और कोई लाइब्रेरियन। ये रहा भाई, ये बन चुका है लाइब्रेरियन। भाई दे दे यार फटाक से, ज़रा टाइम वेस्ट मत करवा, देखते हैं क्या देता है। ये दरवाज़ा लॉक कर देता हूँ बट हो नहीं रहा। तो गाइस मैंने दरवाजे पे लगा दिए हैं प्लैंक्स ताकि ये बाहर ना जा पाए। और इसने भाई फॉर्चून 2 की पिकैक्स दी बहुत देर बाद, यार बहुत ज़रा टाइम लगाया इसने। और इन लोग से मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मेरे पास ढेर सारा वीट वहाँ से जो मैं लाया था हेबेल, उससे मैंने वीट बनाया ढेर सारा। और इस फार्मर से मैंने ले लिया गाइस ढेर सारा एमरल्ड, यहाँ पे ट्रेड करके देखो कितना सारा भाई, एकदम पैसा ही पैसा हो जाएगा, एकदम एमरल्ड ही एमरल्ड भाई। देख रहे हो 20 वीट में एक थो एमरल्ड दे रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा कंजूस है भाई। तो सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस मैं, और थोड़े से मेरे को क्ले माइन करने पड़ेंगे और क्ले बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्टोन बना रहा हूँ ताकि मैं कटर बना सकूँ और एक मेसन बना सकूँ ताकि मैं उसको क्ले बेच सकूँ। तो यहाँ पे ये रहा स्टोन कटर, ये मैंने बना लिया है। और भाई तू बन जा फटाक से मेसन, और मेरे को ढेर सारा एमरल्ड लेना है तेरे से, बन जा भाई। ये बन क्यों रहा है भाई, गल्ला विलेजर है एक नंबर का। तो गाइस मैंने मिशन बना दिया है किसी विलेजर को पकड़ के, और मैं क्ले माइन कर लेता हूँ बहुत सारा। तो गाइस मैंने ढेर सारा क्ले माइन कर लिया है, और इसके बाद मैं इसे ट्रेडिंग कर लेता हूँ बहुत सारी। तो गाइस मैंने 38 एमरल्ड कलेक्ट कर लिया है, और 15 एमरल्ड की एक बुक है, तो 30 एमरल्ड लग गए मेरे दो बुक खरीदने में। और इसके बाद मैंने एनविल बना लिया है, और मैं फॉर्चून 3 में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। और मेरे पास एक आयरन पिकैक्स है, तो इसको फॉर्चून 3 की पिकैक्स बना देता हूँ मैं, इस साइड डाल देता हूँ। और 7 एक्स भी लग रही है भाई, और फॉर्चून 3 की पिकैक्स रेडी है। एंड मैं सारा डायमंड माइन करने के बाद मिलता हूँ आप लोग से, और दिखाता हूँ आप लोग को कि कितना डायमंड हुआ टोटल।
तो गाइस क्या यहाँ पे देख सकते हो 63 डायमंड हो चुका है और एक डायमंड ये मैंने माइन कर लिया और 3 डायमंड और मिल गया मेरे को। तो गाइस 26 और थे डायमंड के जिसको मैंने माइन किया और उससे मेरे को मिले हैं 29 और एक्स्ट्रा डायमंड। और मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ 2 रखने के लिए। और भाई इधर पक्षी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं यार, और यहाँ पे रख देता हूँ चेस्ट और ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं इसमें। तो मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ पूरा। और भाई पक्षी इतना हल्ला कर रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे लेगिंग्स और ये बूट्स भी रेडी हैं। तो गाइस मैंने अपने लिए पूरे डायमंड के टूल्स बना लिए हैं और एक शील्ड बनाया मैंने। फिर भी मेरे पास 60 डायमंड बचे हुए हैं और आर्मर मैंने पहले ही बना लिया था 29 डायमंड में और टूल्स भी रेडी हैं। तो गाइस आज का पूरा मेरा गोल कंप्लीट हो गया। एंड गाइस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ, हाउस बनाऊँ या फिर डायमंड आर्मर को इंचेंट करूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।